नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेल्पर टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जो आपको अभी तैयार करवा लेने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है जल्दी आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आवश्यक दस्तावेज की। तो सबसे पहले यदि हम बात करें आपको कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको अभी तैयार करवा लेने हैं, तो सबसे पहले आपको आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी करा लेनी है। 10th इसमें जो है योग्यता रखी गई थी। यदि आपके पास जो है 12th की है या फिर आपने ITI किया है या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन किया है तो सभी की आप इसमें फोटोकॉपी लगा सकते हैं दोस्तों। इससे प्रमोशन में जो है आपको मदद मिलने वाली है, आपका प्रमोशन जो है अन्य की तुलना में जल्दी होगा। तो दोस्तों, 10th की, 12th की और आपने ITI किया है तो सभी की जो है फोटोकॉपी आप करवा के रख लें। दो जनप्रतिनिधि जैसे कि सरपंच हो गया या फिर डायरेक्टर या वार्ड नंबर मेंबर जो होते हैं उनका जो है आपको दो चरित्र बनवा लेने हैं, दो सरपंच के बनवाने हैं, दो जो है वार्ड मेंबर के आपको बनवा लेने हैं, या फिर आप जो है MLA का भी बनवा सकते हैं या फिर प्रधान के भी जो है आप बनवा सकते हैं, उन पर जो है सील आप जरूर लगवा लें। तो दोस्तों, ये हो गई चरित्र प्रमाण पत्र जो कि जनप्रतिनिधि द्वारा बनवाए जाते हैं। तो और बात करें आपके जो आपने 10th क्लास जहाँ से किया है वहाँ से आप उसका जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें, या फिर आपने जो डिग्री लगाई है उस डिग्री का जो है लास्ट अकेडमिक करियर का आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र इसमें लगाना है। मतलब आपने लास्ट जो डिग्री लिया या डिप्लोमा लिया उसका आपको लास्ट डिप्लोमा या डिग्री का आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो है अपने कॉलेज से ला करके रख लेना है दोस्तों। और ये ओरिजिनल चरित्र चाहिए, इसकी ओरिजिनल जो आपका स्कूल या कॉलेज का चरित्र होता है वो आपको उसकी फोटोकॉपी लगानी है। वहाँ पे चरित्र जो है आपको वहाँ पर देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि आपके पास ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये हो गई दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र की। आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाना है जो कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लिखना है, उसमें आपको शपथ जो है लिख लेनी है कि आपके इतनी संतानें हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी का नाम ये है और आपको जो जो आपके बच्चे हैं या तो उन बच्चों का जो विवरण है वो आपको उसमें स्टाम्प पेपर जो 50 रुपये का है उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी लिखनी है दोस्तों। दूसरे हम बात करें एफिडेविट की, जो कि नो केस एफिडेविट जो है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसको भी आपको बनवाना है, उसको जो है पुलिस थाने जा करके वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसमें जो है सब इंस्पेक्टर या फिर जो CI होता है उसकी मोहर आपको उस पर लगवानी पड़ेगी और उस पर नोटरी करवाना पड़ेगा। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि वहाँ आपका जो है पुलिस थाने में कोई केस तो नहीं चल रहा है, इसके बारे में ये है नो केस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। तो दोस्तों, और बात करें हम कास्ट सर्टिफिकेट की, तो जाति प्रमाण पत्र जो है आपको बनवा लेना है। 6 महीने से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से पिछले 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको मूल निवास भी बनवाना है और ये भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं हो तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो दोस्तों, लैब असिस्टेंट वेरिफिकेशन जो मेरा हुआ था उसमें भी ये जाति प्रमाण पत्र पर ज़्यादा गौर किया था, मूल निवास पर भी किया था कि ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जाति जो है आपको 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आप स्पोर्ट पर्सन हैं या एक्स सर्विस मैन है, आपने उसका जो है फॉर्म भरते समय फायदा लिया है तो आप उसका जो है आय प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। आपकी आय जो है उसमें आपके पिताजी की आय उसमें जो आपने फीस जो है उसमें छूट मिली होगी आपको, उसका जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवाना है। और आप यदि स्पोर्ट पर्सन हैं या फिर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको जो है अपना जो प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना पड़ेगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों, यदि आपका जो बच्चा चाइल्ड जो है डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड है या विकलांग है तो आपको जो है उसका भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा दोस्तों, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और बात करें यदि आपके पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पुरानी जो मार्कशीट आती थी जो कि छोटी मार्कशीट होती थी उस मार्कशीट के अलावा आपको बोर्ड सर्टिफिकेट जो है बोर्ड के द्वारा दिया जाता था, आपके स्कूल से आपको मिलता होगा। लेकिन अब जो नई मार्कशीट आ रही है, जो नए कैंडिडेट्स हैं 2010 से पहले या 2011-12 के बाद जो है 11-12 के बाद आपको एक ही मार्कशीट दी जाती है, उसमें बोर्ड सर्टिफिकेट जो है संलग्न जो है उसमें होता है दोस्तों।
और एक जरूरी दस्तावेज और है जो आपको ध्यान रखना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास जो है फीस रिसिप्ट मिली होगी, और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी आपको मिली होगी उसमें उसकी फीस रिसिप्ट जो है संलग्न होती है दोस्तों, वो आपको अब संभाल के उसको रखना है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है दोस्तों। और दोस्तों एक्सपीरियंस यदि आपके पास कोई है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपको बनवाना पड़ेगा, तो ये जरूरी दस्तावेज हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी दस्तावेज है दोस्तों। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है दोस्तों इसमें 1.5 गुना विद्यार्थी पास किए गए हैं, जब 1 गुना विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे तो कट ऑफ जो है SC ST की जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, SC ST MBC कैटेगरी की जो है 3-4 से 4 या 3 नंबर के आसपास इसमें बढ़ सकती है, लेकिन जनरल या OBC वाले कैंडिडेट्स जो हैं 1 नंबर या 1.5 नंबर पर या 2 नंबर पर भी इसमें 2-2.5 नंबर के आसपास भी इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स जो है मिल जाते हैं, इसलिए जो है SC ST की तुलना में इसमें थोड़ी कम जो है कट ऑफ बढ़ने के चांस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 नंबर इसमें बढ़ सकती है, जबकि कैटेगरी की जो है 5 नंबर तक भी इसमें कट ऑफ जो है बढ़ सकती है दोस्तों। ये एक्सपेक्टेड जो हमने अनुमान बताया है ये लगभग क्राइटेरिया हो सकता है कि सही चला जाए या फिर जो है 1 या 2 नंबर का डिफरेंस इसमें मिल सकता है। तो दोस्तों ये कट ऑफ की बात हो गई, पिछले साल जो है जनरल की कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन हो सकता है इस साल जो है जनरल की कट ऑफ नहीं बढ़े इतनी ज़्यादा, तो ये हो गई कट ऑफ की बात दोस्तों। तो ये जरूरी दस्तावेज आपको अभी से ही बनवा लेने हैं, और एक जरूरी दस्तावेज और है धूम्रपान सर्टिफिकेट, जो आपको पहले ही बनवा लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसकी बहुत ज़रूरत है दोस्तों। धूम्रपान सर्टिफिकेट में आपको लिखवा लेना है कि आप किसी प्रकार का कोई जो है धूम्रपान नहीं करते हैं और ना ही आप किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं, इसका सर्टिफिकेट भी जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है दोस्तों। तो ये जरूरी दस्तावेज है जो हेल्पर 2 या फिर ABBNL JBBNL सभी के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, आपकी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यदि आपको कोई भी हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको 1 या 2 घंटे के अंतर्गत आपका जो कमेंट का जवाब हम शायद लगभग उसका हम दे देंगे कमेंट का जवाब। तो दोस्तों ये हो गई बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं वो आप आसानी से हमारी वीडियो को देख करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।